Salam. Rocky. सामान चेक कर लिया? सब चेक कर लिया। पार्टी आधा पैसा एडवांस में दे गई है, आधा माल मिलने के बाद देगी। गुड। दे जा। ध्यान रखना। कम ऑन, जल्दी माल भरो। ज्यादा वक्त नहीं है।
क्या है? क्या है ट्रक में? बोल 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 क्या है? क्या है? बता दो। सोना सोना सोना। खोलो। रॉकी, ये इंस्पेक्टर अजय ने हमारे नाक में दम कर रखा है, सारे धंधे चौपट कर दिए। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो हमारा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। रॉकी की जिंदगी में ऐसे कई इंस्पेक्टर आए और चले गए, एक दिन अजय भी जाएगा। सरकार की नौकरी करने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपने परिवार को भी भूल जाए। मेरी इकलौती बीवी जी, एक बात बताओ, अगर किसी से कहोगी नहीं? नहीं। मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने पर्स में रखी है और दफ्तर में कई बार खोल के देखता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारे दो बच्चे भी हैं, आपको कुछ याद भी है कि नहीं? तो ही है ना जी। कितने साल हो गए शादी हुए? शर्म की बात है। मजाक मत करो। दोनों ने फैसला किया है कि जब तक आप कहानी नहीं सुनाएंगे वो सोएंगे नहीं। जब तक कहानी नहीं सुनाएंगे? अब तो कहानी सुनानी पड़ेगी जी। कहानी नहीं सुनेंगे तो सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो अब। अरे बेटे, तू यहाँ? हाय गीतू, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटे, तेरी मम्मी को गुद 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 गुदी हो रही। एक मिनट, एक एक अंधेरी तूफानी रात और एक चोर चोरी करके अपने घोड़े पर ठका ठक निकला। फिर क्या था? एक पुलिस वाले ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और पीछा किया। फिर क्या था? फटर 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 करते उसके पीछे भागने लगा। फिर क्या था? चोर जंगल में पहुंच गया। फिर सिपाही जंगल में। फिर क्या हुआ कि चोर ने ये क्या मौका देकर अपनी बंदूक निकाल ली और ठाणे से गोली मार दी। फिर सिपाही ने भी अपनी पिस्तौल निकाली, भर ली और फिर ठाए ठूं ठा गोलाबारी। चोर पकड़ा गया बेटा। डैडी, मम्मी वहाँ पे है। मम्मी? मम्मी वहाँ कहाँ से? सुधर जाओ। क्यों जी? चोर सिपाही के अलावा तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है? क्यों नहीं, बहुत सी टॉपिक है। अभी चोर पुलिस ना सही, चलो चोर डाकू रख लो, चोर कातिल रख लो। बस बस, इतने छोटे बच्चों को खून खराबे की बातें सुना सुना कर तुम तो बस। सरेंडर सरेंडर। बेटे, मेरे ख्याल में तुम्हारी मम्मी को मेरी चोर और डाकू की कहानी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं कल से तुम्हें महात्मा बुद्ध और कबीर ऐसी कुछ कहानियां सुनाऊंगा। पेट में दर्द हो रहा है। तुम लोग सो जाओ। कहाँ जा रहे हो पापा? बेटे, वो क्या तुम्हारी मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है? मैं जाता हूँ। डैडी, मम्मी को कह दो ना डॉक्टर को फोन कर ले, आपको वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटे, डॉक्टर को आने में बहुत देर लगेगी, तब तक मैं एक कैप्सूल दे देता हूँ। सो जाओ तुम, कल कहानी सुनाऊंगा। मेरी बंद गोभी। एक बात सुनो, ये पेट दर्द का बहाना अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्यों? बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहीं बात। बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन बच्चों का बाप तो बिल्कुल वैसे का वैसा है, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा, अभी बताता हूँ, अंदर चल, जरा अंदर चल। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? बच्चे कहाँ है पापा? गीता, क्या बात है बेटे, वो कहाँ है? बॉबी कहाँ है? तुम लोग घबरा क्यों गए थे? देखी, पुलिस ऑफिसर की औलाद होकर छिपकली से डरते हो, हाँ? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये देख रही हो? जनाब, अब समझा गड़बड़ क्या है? क्या है? ये तुम पर गए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इनको लाख चोर पुलिस की कहानी सुना दूं, असर तो तुम्हारा ही होने वाला है। पापा, मम्मी को क्या हुआ? बेटे, कहा था ना उसके पेट में दर्द है, मैं कैप्सूल देने लगा था, तुम लोगों ने चीख मार दी, हम इधर भाग के आ गए। चलो जाओ, सो जाओ, चलो। पापा लेकिन। बेटे छिपकली कुछ नहीं कहती। अच्छा भगा देता हूँ। ए चल चल।
अजय हर तरफ से हमें घेरता जा रहा है, हर तरफ से हमारे रास्ते बंद कर रहा है। घबराओ मत, मैंने उसका हल ढूंढ लिया। रात को जब अजय पुलिस स्टेशन में होगा उस वक्त तुम सर एक बात पूछूं? पूछो। आप इतने खाते पीते घर से हैं, चाहे तो सारी जिंदगी घर में बैठे खा सकते हैं, फिर आपको ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? दिलावर खान, हमारे लिए जिंदगी मजबूरी का नहीं मर्जी का नाम है। और फिर हम नौकरी शौक के लिए नहीं करते, हम इस देश से क्राइम खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है। हमारा पहलगाम का कसीनो बनकर तैयार हो गया, अगले महीने इसकी ओपनिंग कर देते। नया कसीनो खुलने से क्या फायदा? क्यों? अजय की वजह से तो हमारा बॉम्बे का कारोबार नहीं संभल रहा है। घबराओ मत, अजय अब हमारे रास्ते से बहुत जल्द हट जाएगा। आज मैंने उसे फिर छेड़ दिया। गुड, उसे यूं ही छेड़ते रहो और वो गुस्से में आके उलट पलट काम करता रहे और एक दिन उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कमिश्नर तो हर बार उसे डांट कर छोड़ देता है। कब तक यूं ही सिर्फ डांट कर छोड़ता रहेगा? एक बात बोलूं अंकल, क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें? बाकी याद रखना, इस धंधे में जीना है तो पुलिस के साथ कभी सीधी टक्कर मत लेना। डैडी कैन टू प्लीज डैडी। नो 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 नो। चलो ये थक्का कपल देव का कई चांद के पास। बहुत बाहर चला गया, अब क्या करेंगे? बॉल कहां गई डैडी? एक मिनट, अभी आता हूं चौके के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं दिलावर बोल रहा हूं। हां कैसे हो? ठीक हूं सर। सर वो गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिली? जी वो जू में डिंपल होटल के बाहर खड़ी है। मैं अभी आता हूं। हेलो
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? जी अच्छा हूँ। क्यों पता चला? जी गाड़ी तो मिल गई, लेकिन जो इसका मालिक है ना वो अभी तक नजर नहीं आया। मिल जाएगा। हाँ वजह क्या है? देखिए देखिए आप ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब क्यों आप मेरी गाड़ी की सत्यानाश कर रहे हैं? अगर आपको तलाशी लेनी है तो ये चाबी ले लीजिए। इसके लिए चाबी है। प्लीज भाई साहब, भाई साहब सुनिए, प्लीज रुक जाइए भाई साहब। आगे मेरा कसूर क्या है? भाई साहब रुक जाइए, क्यों आप मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर रहे हैं? प्लीज ओह नो सर, टिकी टिकी टिकी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जरा डिक्की खोलिए। अब इसके लिए आपको चाबी की जरूरत है। चलो दिलावर खान। यस सर। शक गलत निकला। सॉरी जेंटलमैन, आप चाहे तो अपनी कार ले जा सकते हैं। अब इस गाड़ी को कहां ले जाऊं? क्या जी? नहीं आपसे नहीं। अगर तुम्हें शक था तो कार को पुलिस स्टेशन लाते। अजय, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायतों से तंग आ चुका हूं। जानते हो इस तरह किसी इज्जतदार आदमी से गलत बर्ताव करने का अंजाम क्या हो सकता है? जानता हूं सर, लेकिन जिसे आप इज्जतदार समझते हैं वो इज्जतदार नहीं है। अगर इसका पर्दाफाश हो जाता तो यही इज्जतदार आपके सामने चोर बन जाता। कब तक तुम अपनी सफाई में इस तरह की दलीलें देते रहोगे? ये तुम्हारी सातवीं शिकायत है अजय। तुम्हें कोई हक नहीं कि अपनी वर्दी और अहदे का नाजायज फायदा उठाओ और कानून के हदों से बाहर जाओ। कानून की हदें बहुत छोटी हैं सर। कानून एक मील जाता है तो मुजरिम 50 मील भाग जाता है। इस तरह क्राइम खत्म नहीं किया जा सकता। क्राइम को खत्म करने के नाम पर बेगुनाह को सताया भी नहीं जा सकता, समझे? आई वॉन्ट यू फॉर द लास्ट टाइम, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। और सुनो, कल सुबह तो मुझको मेरे बंगले पे आके मिलो। यस सर। अब आप भी जा सकते हैं जी। तहकीकात पूरी होने पर हम आपको खबर कर देंगे। थैंक यू। हाँ?
इधर बेटे किची जीतू जी मम्मी चलो ऊपर जाकर खेलो जी शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई वरना मैं तो समझी थी कि कमिश्नर साहब ने जरूर तुम्हें कोई उदासी का इंजेक्शन दे दिया है हम पुलिस वालों की ट्रेजेडी क्या है जानती हो क्या है एक तरफ कानून की हदों में बांधकर कसम दिलाई जाती है कि इस बंधन को मत तोड़ दूसरी तरफ ये कसम दिलाई जाती है कि जुर्म को खत्म करो तो इसमें बुराई क्या है कानून के दायरे में रहकर जो ठीक लगता है वही करना चाहिए आशा मैं नौकरी घर चलाने के लिए नहीं करता जुर्म को खत्म करना मेरा फर्ज है मेरी जिंदगी का मकसद है देखो अंकल ने जो कुछ भी कहा होगा तुम्हारी भलाई के लिए कहा होगा आंखें होते हुए अंधा बनकर कोई कैसे जी सकता है मैं बताऊं बताओ बच्चों को देखकर मुझे देखकर I love you darling इस बार भी कमिश्नर साहब ने अजय को डांट कर छोड़ दिया सिर्फ डांटने से हमारा मकसद हल नहीं होता हमारा मकसद तो उस दिन हल होगा जिस दिन सरकार अजय से उसका रिवॉल्वर छीन उसकी वर्दी उतारे अपनी बेल्ट और स्टार्स उतारो जी? सुना नहीं तुमने बेल्ट और स्टार्स उतारो अजय आज मैं तुमसे एक अफसर की तरह नहीं एक बाप की तरह बात कर रहा हूं मुझे मालूम है कि तुम कल की बात पर मुझसे नाराज हो नाराज होने का हक है तुम्हें तुम जैसे बहादुर और जांबाज ऑफिसर पे मुझे नाज है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती खतरे मोल लेते जाओ और दुश्मनों की तादाद बढ़ाते जाओ कानून की पाबंदी में रहकर मैंने जुर्म को खत्म करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका मजबूर होकर मुझे यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा कानून मेरे हाथ बांध देता है अंकल आप ही बताइए मैं क्या करूं तुम वही करो जो कानून तुम्हें कहता है आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए ये सारा दिन बदमाशों में उलझे रहते हो घर का ख्याल कैसे करते होगे लगता है आशा भी तुमसे तंग आ चुकी होगी थोड़ा बहुत वक्त घर में भी दिया करो बरखुरदार थैंक यू अंकल बीवी बच्चों को लेकर बाहर डिनर पे जाना ये तुम्हारे दिल की बात नहीं हो सकती है जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है जी नहीं आज तुम खुद ही भड़क उठे हैं मेरी इकलौती बीवी जी कभी तो अपनी मियाँ का यकीन किया करो कसम से यह लंबा टेबल बुक करवा दिया है मैंने अच्छा जरूर किसी चोर उचक्के पे नजर रखने के लिए हम पर ये मेहरबानी की जा रही है ना 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 ना, ना वहाँ चल के देख लेना अगर इस चेहरे से पल भर के लिए नजर हटी तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा और जो मैं तुम्हें पकड़ूंगी तो तुम कहोगे कि तुम्हारा चेहरा इतना चिकना है कि मेरी नजर फिसल गई हम हमेशा एक ही बहाने में थोड़ी चलते हैं तो तुम कोई और बहाना बना लोगे बहाने बनाने में तो तुम मास्टर हो और नहीं तो क्या तुम्हारी तरह थोड़ी साल से एक ही बहाने पे चल रही हो सुनिए हमारे पेट में दर्द हो रहा है इस वक्त हमारे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया अच्छा जब हमारे पेट में दर्द होते तो ए नहीं तो ओ मेरा गाना पसंद नहीं बिल्कुल नहीं बहुत बेसुरा गाते हो अच्छा गाना सुनना चाहती हो कौन नहीं सुनना चाहेगा तो फिर कान इधर लाओ जल्दी जल्दी बिल्कुल वैसे ही करोगी एकदम चलो फिर क्या है मुझे मालूम है मम्मी पापा से नाराज क्यों है क्यों मालूम है पापा ने कहा था बहुत लंबी टेबल बुक करेंगे ये टेबल तो बहुत छोटी है
हमको सुनना था ये गाना, उसी का
हम बन गए, दोनों बुध बन गए, चलो झूमो नाचो गाओ आओ रेडी वन टू थ्री गुपचुप है गीता नहीं जाती है कुमसुम है भाभी नहीं मम्मी ये कॉमेडी है ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी गुपचुप है गीता एक कुमसुम है भाभी ये कॉमेडी है ये कॉमेडी है ये कॉमेडी है ये कॉमेडी है अजय को और भड़काने के लिए तुम इस पेट्रोल बम का इस्तेमाल करो। Oh my God! You go ahead, Bobby. Okay, go ahead. Come on, Bozo. Bobby! उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो जलती हुई चीज मेरे ऊपर आ गिरी। अच्छा? वो जलती चीज तुम्हारे ऊपर आ गिरी? हाँ, और पापा ने मुझे उठाकर पानी में छलांग मार दी। पानी में? पानी बहुत ठंडा था ना, देखो मेरी नाक अब तक बह रही है। लेकिन तुम्हें तो पानी में तैरना ही नहीं आता। अरे पापा थे ना, पापा ने मुझे पानी से बाहर निकाल दिया। पापा ने उस गाड़ी वाले को कुछ नहीं कहा? अरे वो तो भाग गया। और बोझो? बोझो ने उसका पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। इतना बड़ा हादसा हो गया तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसा हादसा डार्लिंग? अब भी झूठ बोल रहे हो? ओह, तो बॉब के बच्चे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? ये सोच के कहीं तुम घबरा ना जाओ इसलिए मैं। तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो दिन रात इस तरह मौत से नहीं खेलते रहते। अजय, अगर कल तुम्हें या बॉबी को कुछ हो गया तो मैं। अच्छा। मैं अजय, अपने दुश्मनों की खातिर तुम मेरी खुशियां क्यों छीनना चाहते हो? हाँ प्लीज प्लीज ये नौकरी छोड़ दो अजय, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। आशा प्लीज ये नौकरी छोड़ दो। आशा मुझे एक चांस और दे दो, फिर जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा। तुम्हारी कसम मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आशा 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 सब सब ठीक हो जाएगा। दिन ब दिन बात बढ़ती जा रही है अंकल। आज उन्होंने बाप के सामने बेटे पर हमला किया तो कल कानून की वर्दी पहने हुए बाप पर भी हमला हो सकता है। अंकल, अगर उन दोनों बाप बेटे में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बेटे, मैंने अजय को कितना समझाया मगर वो मानता ही नहीं। जब वो दफ्तर में होता है तो फर्ज उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, और जब वो घर में होता है तो प्यार उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। लेकिन दफ्तर और घर के दरमियान जो फासला है, जब वो वहां होता है तो सच उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। और बेटे, सच में प्यार और फर्ज दोनों से ज्यादा ताकत होती है। सच का पक्ष लेकर जब वो कानून को अपने हाथ में लेता है तो मैं उसे समझाता हूं, वार्निंग देता हूं,
लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती अंकल, लेकिन जो इंसान पति है, पिता है, उसे इस तरह मौत से नहीं खेलना चाहिए। प्लीज अंकल, किसी भी तरह आप उन्हें समझाइए ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको करना ही होगा। आपके बेटे की मांग का सिंदूर उजड़ जाए, ये आप बर्दाश्त कर सकेंगे? घबराओ नहीं बेटी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तुम्हें बॉम्ब फेंकते हुए अजय को शक्ल दिखाने के 10,000 मिले थे ना, अब मार खाने के 20,000 मिलेंगे। क्या मतलब? मतलब सीधा साधा है, बस तुम एक बार अजय के सामने आओ। तुम जैसे ही अजय के सामने जाओगे, अजय तुमको देखकर पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। बता, किसने भेजा था तुम्हें? मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। उस आदमी की हालत देखी है तुमने? उसकी एक भी हड्डी पसली साबुत नहीं बची है। जवाब दो, तुमने ये किस कानून के तहत किया? बोलते क्यों नहीं? इसलिए कि उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की। सर, बेटा किसी का भी होता। कानून तो तुम्हारे घर का है बरखुरदार, उसे जब चाहो जैसे चाहो तोड़ मरोड़ सकते हो। जानते हो तुमने जो कुछ किया उसका हश्र क्या होगा? सर, एक बात मैं आप पर वाज़े कर देना चाहता हूं। उस आदमी की जो हालत आप देख कर आए हैं, उसका जिम्मेदार मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इससे पहले कि तुम पर क्रिमिनल केस चले और अदालत तुम्हारी वर्दी उतारे, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी वर्दी मेरे हवाले कर दो। कल सुबह मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज आप बहुत जल्दी आ गए। वाह वाह आशा, आज तुम मुझे इंस्पेक्टर कह रही हो जब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा। क्या मतलब? कमिश्नर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अजय की कुर्सी तो खाली हो गई, हमारे रास्ते की एक दीवार हमेशा हमेशा के लिए हट गई। अरे मैं अपना क्रिकेट का बैट लेना तो भूल ही गया। ओहो, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। अजय,
सर, जा रहे हो क्या? जी हाँ जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप कैसी बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब, आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, लेकिन एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ अजय, और मुझे अफसोस है कि हमारा महकमा तुम जैसे पुलिस अफसर को खो करके। प्लीज सर, अब इस बात को यही रहने दीजिए ना। आशा देखो कमिश्नर साहब आए हैं, मैं जरा सामान लेकर आता हूँ। अंकल, अजय की बात का बुरा मत मानिएगा, जैसे नींद खुल जाने से सपना टूट जाता है ना, वैसे वर्दी उतर जाने से अजय टूट गया है। गांव जाएंगे, हवा पानी बदलेगा, हो सकता है इच्छाएं भी बदल जाएं, नजरिया भी बदल जाए। बेटे, अजय सोना है, और सोने की यही ट्रेजेडी है कि ना कभी वो रंग बदलता है और ना औकात। तुम उसे समझाने की। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ, जब कभी यहाँ आओ मुझसे जरूर मिलना। अच्छा बेटे। तेजा, हमने तुम्हारे रास्ते के पत्थर को हमेशा के लिए हटा दिया, अब तुम आराम से काम करो। हा? कल सुबह मैं और रॉकी पहलगाम जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है, दो चार दिन और रुक जाते। नहीं तेजा नहीं, तुम तो जानते हो कि पहलगाम का कसीनो नया नया खुला है, उसे संभालने के लिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। Thank you.
बिल्कुल वही पहली रात सी, बदली नहीं तुम सालों में, अब भी वही है शर्म। थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा है गम, कुछ है ज्यादा, कुछ है कम, इस जिंदगी का है कुछ ऐसा ही मौसम। आओ बेटे, आओ आओ, आ जाओ, आ जीकर बेटे, जीकर जीती रहो, जल्दी उतरना। अली मेरी बच्ची, आओ आओ, कैसे हो? आशा तुम लोग चलो, मैं भी आता हूँ। पिताजी आप जरा इधर आइए, आपसे एक बात। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बेटे सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, लेकिन अब जाने के बारे में मत सोचो। बिल्कुल देखो, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मुझसे नहीं संभलता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना यार। आप बूढ़े नहीं हुए पिताजी, क्या बात करते हैं। अरे बाबा हो गया हूँ ना। नहीं डैडी, आप बूढ़े नहीं हुए। बेटे यकीन मानो हो गया हूँ। जब मैं कहता हूँ आप बूढ़े नहीं हुए तो आपने अपने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो कारोबार सारा तुम संभालो और घर की देखभाल मैं करूँ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, कारोबार भी संभालूंगा, लेकिन आपने आपको बूढ़ा कभी नहीं माना पिताजी। अब पापा जी आपने चीटिंग किया, साफ चीटिंग है। माँ देखो एकदम दो पत्ते लगे हैं वो। कहा बेटा, मैंने तो नहीं देखा। आप देखेंगे कैसे माँ जी, आपका चश्मा तो मेरे पास है। अरे हाँ, अब देखती हूँ कौन कैसे चीटिंग करता है। अब मुझे सब ठीक नजर आ रहा है। आप पत्ता फेंकिए फेंकिए। अरे क्या फेंकूं, ज्यादा है, परिवार बैठे हैं। बाबू जी मैं आपके साथ हूँ, जो पता लगता है उठा लीजिए। बेटे बाजी इतनी खराब है कि चिकटने से भी कुछ नहीं बनेगा। माँ देखा साफ चीटिंग हो रही है। तू फिक्र मत कर बेटे, हम दोनों मिल जाते हैं, शेर के लिए सवा शेर बन जाते हैं। ये रहा पत्ता, उठा उठा। अरे पेट क्या बजा रहा है, पत्ता उठा। पपलू आ गया बाबूजी, पपलू आ गया। चल 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 चल। ए तू कहाँ चली? माँ मेरे पेट में दर्द है। अरे क्या हुआ? पेट में दर्द है? डॉक्टर बुलाएं क्या? नहीं नहीं मेरे पास है पुड़िया। पुड़िया बक्से में है। बक्से में? अच्छा जा 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 पुड़िया। चल पत्ता फेंक, पत्ता फेंक, जल्दी करो, उसके पेट में दर्द है। पत्ता कहाँ फेंक रहा है? उसके पेट में बहुत दर्द है। दर्द है? हाँ पुड़िया तो नहीं मिल रही है। अरे उधर बक्से में रखी है ना। बक्से में रखी है? वो बक्से में भी नहीं है। अजीब है ये भी, आजकल भूल जाती है चीज, आके भूल जाती है। मालूम नहीं पुड़िया कहाँ है। मैं एक मिनट में पुड़िया देके आता हूँ। हाँ जा पुड़िया देके। मामा जी आपके लिए मैं पुड़िया देके आता हूँ। इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये लोग तो गए, अब हम तुम खेल लेते हैं। चल पता चल। महीनों महीनों तक कुछ बोलती नहीं, उसके बाद भी अगर तुम लोग मेरे पैसे नहीं दोगे तो ढाबा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे कौन है बे? अरे अजय भाईजान। नूरन तेरे चिल्लाने की आदत अभी भी नहीं गई, छोटी थी तब भी चिल्लाती, अब भी चिल्ला रही है मुंह फाड़ के। क्या करूं भाईजान, चार साल की थी जब अब्बा ने ढाबे पर लाकर बिठा दिया, तब से अब तक इन हरामखोरों की वजह से टेंशन ही टेंशन है। क्या है? टेंशन ही टेंशन है। अरे तू तो टेंशन अंग्रेजी बोलने लगी। अच्छा ये बता, तेरे ढाबे की दाल अभी वैसी बनती जैसे पहले बनती थी या कुछ पतली हो गई? क्या बात करते हो भाईजान,
खाकर तो देखो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ओ बल्ले, मेरे ख्याल से इन बेचारों को टेंशन क्यों दे, टाबे तो चल के खा लिया है। चल ये लीजिए अनाथालय की। धन्यवाद। और ये लीजिए प्राइमरी स्कूल के लिए। और किसी सेवा की आवश्यकता हो तो आज्ञा कीजिए, तो सेवक हाजिर है। थैंक यू, थैंक यू चेयरमैन साहब। ओ दुर्गा प्रसाद जी, आओ भाग्य, आइए आइए। कैसे आना हुआ? नारी संस्था की मीटिंग में जा रहा था, सोचा तुम्हें अपने साथ लेता चलूं। मुझे? हाँ भाई, धर्म कर्म के मामले में इस इलाके में तुमसे बढ़कर और कौन है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं चेयरमैन? मैं ठीक कह रहा हूँ, जितनी लगन और मेहनत से तुम इस काम को कर रहे हो, अगर ऐसी दो चार करने वाले और हो जाएं, तो हम सबका कल्याण हो जाए। हैं? और चले। जैसी आज्ञा। ये लो चाय। अरे ओ गीता, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इसे कहो मुझे अखबार पढ़ने दे। अबे गीता के बच्चे। अरे कैसा रे? अच्छा तो तू मोटा क्यों हो गया रे? मैं कहाँ मोटा हूँ, ये देख। ये कहाँ है, इधर कहाँ है? ए रोजी, कितने बचे हुए? एक भी नहीं। एक भी नहीं? तुमसे तो हम ही ठीक है। हाउ आर यू? फाइन। बैठिए बैठिए ना। ओके, आप बैठना जी। आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी नहीं, क्यों आए हैं आप? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? जी हाँ। मतलब? मतलब ये कि आप सुबह शाम अजय की सूरत देख देख के बोर हो गए। ए घुंचो। सही बात है। करेक्ट ना? बिल्कुल। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए आऊँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। ऑब्जेक्शन? क्या कह रहे हैं आप, मैं तो बहुत खुश हूँ, ले जाइए ना। चलो। क्या हुआ? मेरे पेन हो रहा है डार्लिंग। पेन हो रहा है? सुनिए प्लीज, उनको डॉक्टर के पास ले जाइए ना, प्लीज। होम्योपैथिक? कोई भी। अच्छा चल, जाना कितने हुए? डॉक्टर के पास। हाँ चल यार, चल चल। दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, मस्ती है मस्ती। सॉरी आंसर, सॉरी। आजा, हाय। चल चल आगे, चल चल आगे, चल करना, चल। मुझे वहाँ डांस होने वाला है वहाँ पे। ए मैं तुम्हारे खेलूँ, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। थोड़ा सा है थैंक्स। हाँ स्किप मी, सेंड मी सम काउंटर्स प्लीज। या मुंबई का एक्स इंस्पेक्टर अजय कैसीनो में आया है। एक्स इंस्पेक्टर अजय? चलो। Just
क्या हो रहा है ये? गेम हो रहा है। गेम हो रही है? हाँ। पैर के नीचे क्या है? पैर के नीचे कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? नहीं। इसे यहां से उठाकर बाहर फेंक दो। रॉकी तुम समझते क्यों नहीं? बंबई की बात और थी, लेकिन यहां अजय का बाप इस इलाके की बहुत बड़ी हस्ती है। वो पुलिस की मदद लेकर हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका मतलब यह है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे आकर बर्बादी कर सकता है? गैर कानूनी दुनिया में आबाद रहने के लिए थोड़ी सी बर्बादी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, समझे? अपनी ताकत का सही वक्त पे इस्तेमाल करना सीखो, ताकि दुश्मन को तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो। मुझे देख के तुमने अच्छा नहीं किया। शंकर जी, इसे खत्म कर दो। Ha ha ha!
पर कहा है? तुम सब बोलते क्यों नहीं? अल्बर्ट कहाँ है? कहाँ है अल्बर्ट? कहाँ है अल्बर्ट? कहाँ है? बेटे उसकी लाश नहीं। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा पिताजी, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा पिताजी। अल्बर्ट की मौत ने अजय के गुस्से की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। अस्पताल से निकलते ही वो साथ से हमें और हमारी दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहा है। वो वक्त कभी नहीं आएगा अंकल। वो वक्त आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है रॉकी। इसलिए एक ऐसा आदमी तलाश करो जो हिफाजत के लिए तुम्हारे पास चट्टान की तरह खड़ा रह सके। अरे चल रोटी जल्दी ला। अरे लाता हूँ भाई। लौंडा नया लगता है। अबे ओ, ये नूरा का ढाबा है ढाबा, कोई लकड़ी काटने का कारखाना नहीं, समझे? क्या खाओगे भाई? क्या है तुम्हारे पास? कीमा, कलेजी, रोगन जोश, चिकन मसाला, मटर। बस 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 बस, इतने में अपना काम चल जाएगा। सुनो, सब एक एक कटोरी ले आना। सब? अरे ओ भाईजान, एक दर्जन रोटियां भी। एक दर्जन रोटी अभी लाए सरकार। ऑर्डर तो ऐसे दिया जैसे बारात खाने वाली हो। लो भाई, एक दर्जन रोटी, कीमा, रोगन जोश, मटर पनीर, आलू गोभी और दाल। लगता है जन्म से भूखा है। आवाज सुनकर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई कुत्ता खा रहा हो। अजान, जी रोटी और लाइए। जी अभी लाया। हाँ,
मंजूरे खुदा याली। पंद्रह बोतल दारू चालीस। दस मिनट पांच टेबल पचास। वाह वाह, गांव और बिजली पहलवान के बाद तुम्हारा ही नाम होगा। क्या हाथ चलाया है, क्या पैर घुमाया है, वाह वाह क्या बात है। शुक्रिया। ए, किधर जा रहा है? घर। घर? ये धर्मशाला नहीं, नूरा का ढाबा है। ढाबा तोड़ फोड़ का हिसाब कौन देगा? जी सुनो जी, दो कुर्सियां पंद्रह रुपए, चार मेज पैंसठ रुपए, दस गिलास नौ रुपए, आठ बड़ी प्लेट, दस छोटी प्लेट, पंद्रह दारू की बाटली, सब मिलाकर 220 रुपए और साढ़े दस रुपए खाने के अलग। पैसे वैसे तो अपने पास नहीं है। देखो पहलवान, पैसे का काम तो पैसे से ही होगा, पहलवानी से नहीं, समझे? ठीक है, जब कोई काम मिल जाएगा आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वाह वाह, दुनिया के सब बेकार लोग नूरा के पल्ले ही पड़ते हैं। ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुझे नौकरी दिलवा दूंगी। लेकिन इतना याद रखना कि सबसे पहले मेरा हिसाब चुकाना पड़ेगा, समझे? वही आदमी है जिसने नूरा के ढाबे में तुम लोगों की पिटाई की थी।
इसे हटाओ रास्ते से। सलीम सिर्फ उसी का हुक्म सुनता है जो उसे रोटी देता है। सलीम बेटे, इस पेड़ को हटा दो। जितने बहादुर और ताकतवर हो उतने अकलमंद नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अकलमंद होते तो यहां काम नहीं करते। सुनो, मुझे तुम जैसे बहादुर दोस्त की जरूरत है। दोस्त? हाँ दोस्त। मैं तुम्हें इज्जत का काम दे सकता हूँ, करोगे? काम क्या है? शाम को कसीनो में आ जाना, सब समझा दूंगा। क्या कसीनो? किससे भी रॉकी का पता पूछोगे मालूम चल जाएगा। चलो आओ खाना खा लो। क्या बात है, आजकल बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही दिल करता है। अरे मेरा भी तो दिल बहुत कुछ कहने को और करने को चाहता है। तो कहो ना, मना किसने किया? कहूं? अभी नहीं, अभी खाना खाते हैं। सुना है तुम दूसरी जगह नौकरी करने वाले हो? क्यों? हर आदमी तरक्की करना चाहता है, और फिर तुम्हारा उधार भी तो चुकाना है। मुझे अपने उधार की फिक्र नहीं, जब चाहूं वसूल कर लूंगी। बात है। चलो खाना खा लो। गुड, वेरी गुड। अकाउंट से पता चलता है कि इस कैसीनो की आमदनी आगे से काफी अच्छी हो गई है। मेरे ख्याल से अगर जुए के टेबल्स और ज्यादा बढ़ा दी जाए तो फायदा ही फायदा है। सेंसिबल बात तो सोचने की है। ये शोर कैसा? जब शेर आता है ना, शोर तो होता ही है। बैठो। जी नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। अच्छा ना आने की कोई वजह ना थी तो हम समझें कि तुमने हमारी दोस्ती कबूल कर ली। पूरे 2000 रुपए महीना मिलेंगे। दोस्ती के या सौदे के? दोस्ती। मुझ में इतनी दिलचस्पी की वजह? दोस्ती की कोई वजह हो ये कोई जरूरी तो नहीं। क्या तुम्हारे और मेरे लिए इतना जाना काफी नहीं कि हम दोनों दोस्त हैं? आज से तुम इस कसीनो की सिक्योरिटी के इंचार्ज हो। क्या? मेरा मतलब है इस कसीनो में कुछ गुंडे लोग आते हैं, तुम्हारा काम होगा उनको ठीक ठाक करना। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। ये तो मैं जानता था, चट्टान से टकराने वाले के टुकड़े हो जाते हैं। दोस्ती की इस खुशी में आज हम जश्न मनाएंगे और बाद में खाना खाएंगे। जी नहीं, हमें ढाबे का खाना ही अच्छा लगता है। पहली देर हो गई, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ओ तो ये बात है। ठीक है, तो कल से काम शुरू कर दो। जी।
तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर। जाहे ले ले मेरी जान, जाहे ले ले मैंने चाहे तू मेरी जान, तेरे सदके में सलीम खान, तेरे सदके में सलीम खान, तेरे सदके में सलीम खान। तेरे ढाबे दी, तेरे ढाबे दी गरम गरम रोटियां, तेरे ढाबे दी गरम गरम रोटियां, तेरी आंखों की गोल गोल गोटियां, ओ तेरी आंखों की गोल गोल गोटियां। छपुआ दे ये अखबार में, जाके छपुआ दे ये अखबार में, कर दे ऐलान सारे बाजार में, ओ कर दे ऐलान सारे बाजार में। जीने का ही नहीं शौक प्यार में, हमें मरना भी है मंजूर, तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर। तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर। नूरा दे 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 नूरा, नूरा दे 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 नूरा, थोड़ा सा नूर। तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर, तेरा जलता रहे तंदूर। शह विकेट कीपर साहब बॉल दीजिए। ओह नो, सिक्स कहाँ गया बॉल? ये रहा। पापा,
क्या हुआ दीदी? सांप? बोझा 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 मेरा बोझा मेरा बोझा 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 आशा, मैंने चश्मा नहीं लगाया फिर भी देख रही हूँ, तेरी आंखें गीली हैं। क्या बात है बेटी? क्या परेशानी है बहू? परेशानी एक ही है बाबूजी, जुल्म, अन्याय, बेईमानी, चोरी, कुछ भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब दुनिया में कोई ऐसी जगह तो है ही नहीं जहां सिर्फ सच और ईमान बसे हो। मैंने लेकर कहां जाऊं? कहीं जाने की जरूरत नहीं बहू, ईमान कभी बेईमानी से नहीं घबराता। इस लड़ाई में बेईमानी को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है बाबूजी। तेरा पति है तो हमारा भी बेटा है, इस तरह दिल छोटा मत कर। जो भी भाग्य में लिखा होगा हम सब मिलकर भुगत लेंगे बेटे। मां रो मत मेरी बच्ची। कंप्लेंट लिखाई हुआ आज कितने दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, अभी तक आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। चेयरमैन साहब आप अच्छी तरह जानते हैं गिरफ्तारी बिना सबूत नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब मेरा दोस्त अल्बर्ट मर गया, मैं अधमरा होकर हॉस्पिटल पहुंचा, 20 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा और आप अभी तक हम अपना काम कर रहे हैं मिस्टर अजय। अल्बर्ट की मौत एक एक्सीडेंट था। जी नहीं, अल्बर्ट की मौत एक्सीडेंट नहीं था, उसका कत्ल हुआ है। लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं। सबूत सबूत सबूत, जख्म का क्या सबूत होता है? दर्द ना, और जब दर्द होते हैं इंस्पेक्टर साहब तो जख्म ढूंढने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके कानून को तो सबूत चाहिए। ₹30,500। किस बात के? कसीनो के आदमी ने मेरे दोस्त की गाड़ी जला दी थी, ₹30,000 उसके, जुए में जो हेरा फेरी की थी ₹2,500 उसके। याद आया? कोई है यहां? सुन लो, जिसने मेरे दोस्त अल्बर्ट को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
चौकी, ये क्या कर रहे हो तुम? सलीम तो अपना आदमी है। तुमने सुना नहीं अजय ने जाते वक्त क्या कहा था? कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजय की मौत के लिए मैं सलीम के जिस्म में इस चाकू से इतना जहर भर दूंगा कि जब वो होश में आएगा तो सारे का सारा जहर अजय पे उगल देगा। रो मत, नहीं मेरी बहन नहीं। अजय भैया, अल्बर्ट के बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अल्बर्ट का जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी तो है, लेकिन इस तरह हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या बिगाड़ा था हमने किसी का, क्यों ये जुल्म हुआ हम पर? अगली तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन मैं एक न एक दिन उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिसने हमसे हमारे अल्बर्ट को छीना है। ऐसे ये रुपए रख लो मेरी बहन, ये मैंने उन गुंडों से ही वसूल किए हैं। और सुनो, जब तक मैं जिंदा हूं कभी अपने को अकेली नहीं समझना। कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर अधूरी रह जाऊंगी। अशोक, तुम्हारी कसम मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अजय, दोस्ती निभाने की खातिर तुम अपनी जान खतरे में डालते हो। जो कुछ भी करते हो अच्छा ही करते हो, लेकिन तुम्हारे इन खतरों को देखकर मेरा दिल नहीं चाहता है कि। अच्छा, इंसान तब तक जीता है जब तक उसकी आत्मा जिंदा है, उसका ईमान जिंदा है। और जिस दिन इंसान की आत्मा और ईमान मर जाते हैं ना, उस दिन आदमी जीते जी मर जाता है। मैं जरा से दो मिनट बात कर सकता हूं? नहीं नहीं, लेटे रहो। डॉक्टर ने हिलने के लिए मना किया है। पूरे 60 टांके लगे हैं तुम्हारे सीने पर, अगर एक भी टांका टूट गया ना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दोस्त, घाव तुम्हें लगा लेकिन उसका निशान मेरे सीने पर रहेगा। यह सब कुछ उस हराम ज़ादे अजय ने किया है। सलीम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रोके साहब, सलीम अपना बदला लेना जानता है। उसने मेरे सीने पे लकीर बनाई है, मैं उसकी तकदीर की लकीरें मिटा दूंगा। मैंने सब सुन लिया है, इसकी बातों का यकीन मत करना। अजय भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो फरिश्ता है फरिश्ता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं सलीम, ये कसीनो वाले बहुत बुरे आदमी हैं। इनकी वजह से हमारी बस्ती बर्बाद हो गई है। जो लोग इतने बुरे काम करते हैं उनका एतबार कैसे किया जा सकता है? कोई कुछ भी कहे, अजय को मैं नहीं छोड़ूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। मिस्टर अजय जी, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। जी वारंट दिखाइए इंस्पेक्टर। नहीं बाबू जी, कागजी कार्रवाई ठीक ही होगी, मारपीट का इल्जाम होगा, दंगे फसाद की दफा लगी होगी, और क्या होगा। अच्छा हुआ आज बच्चे घर पे नहीं है,
वरना उनके सामने झूठ बोलना मुश्किल हो जाता। उनसे कह देना कि पापा शहर गए हैं और उन्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि माँ को बच्चों के सामने कभी झूठा साबित नहीं होना चाहिए। और हम माँ को समझा देना। शहर में जुल्म से लड़ने के लिए कम से कम इनके पास वर्दी थी, यहाँ तो बिल्कुल। बेटे, अब जुल्म से नहीं कानून से लड़ना होगा। और शर्मा जी, ये अजय पुलिस के साथ कहाँ गया? पुलिस के साथ लोग कहाँ जाते हैं चेयरमैन, पहले पुलिस स्टेशन फिर लॉकअप। नहीं नहीं, मेरे होते ये नान छफी नहीं हो सकते। मम्मी मम्मी, पापा कहाँ चले गए? वो बेटे वो अचानक कुछ काम पड़ गया था ना, इसलिए वो शहर गए हुए हैं। हमसे मिले बिना कैसे चले गए पापा? वो बेटे वो तुम, हाँ तुम बाहर खेलने गए थे ना, इसलिए वो मिल नहीं सके। अब से हम कभी खेलने को नहीं जाएंगे। अजय की जमानत के कागजात, इन्हें देख लीजिए और अजय को रिहा कर दीजिए। सदानंद जी साहब, अजय साहब को बाहर ले आओ। अच्छा साहब। चेयरमैन साहब, कानून की मजबूरियां और फर्ज का मसला सामने आ जाता है, वरना क्या हम नहीं जानते कि शराफत कहां कहां बसती है? शुक्रिया।
अंकल, उसे छुड़वा के आपने अच्छा नहीं किया। जिस दिन वो मेरे हाथ में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। I will kill that bastard. थोमा भी बच्चे, जरा अकल से काम। सारे फैसले अगर बंदूकों और चाकुओं से होते तो दुनिया के आधे लोग मारे गए और बाकी आधे जेलों में होते। इंसान की कमजोरी और गुस्से को भी तो चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अपना सलीम क्या कुल्हाड़ी में नहीं बदल गया? तुम ही बताओ, कुल्हाड़ी और सलीम में क्या फर्क? अजय के लिए अब आप सलीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बहुत गुस्से वाला है, वो गुस्से में गलती भी कर सकता है। उसके गुस्से का हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। शंकर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? जहां तक मैं सोचता हूं वो आदमी इस काम को बहुत खामोशी के साथ कर सकता है, समझे? इस बंदूक की गोली से सिर्फ अजय की मौत होनी चाहिए। और सुनो शंकर, ये काम आज रात को ही होना चाहिए। कल का सूरज अजय के लिए नहीं उगेगा। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? दो चार दिन और लेट आते। हाँ हाँ, दो चार दिन और लेट आते। काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गया। इसलिए जल्दी आ गए। मगर आप हमसे मिले बगैर गए क्यों? हाँ, गए क्यों? गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ बेटे, माफ कर दो ना। नहीं, हम आपको ऐसे माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। योर ऑनर, माफी दिलवाई दियो। आपको, हम दोनों को बारी बारी इधर और इधर पपी देनी होगी। इतनी बड़ी सजा तुम्हारी माँ देती तो कितना अच्छा होता। आओ बेटे। जब हम लोग यहां आए थे तब मैंने ये पिस्तौल छिपा दी थी। तुम्हारी कसम, मैंने इसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जानती हूं, इसलिए तो मैं खुद ये तुम्हारे पास लाई हूं। इसे अपने पास रखना हिफाजत के लिए। अच्छा, इसका इस्तेमाल मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए छोड़ा था। मैं किसी की जान का दुश्मन नहीं हूं, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। गीतू, गीतू, गीतू बेटे, चलो नाश्ता कर लो। नहीं, चलो ना दीदी, नहीं, प्लीज। देखो, देखो भाई जी भी बोल रहे हैं। तुम नहीं खाओगे ना तो भाई जी भी नहीं खाएंगे। चलो ना बेटे, प्लीज। गीता बेटे, गीता देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो, 1, 2, 3।
गीता बेटी, कम डार्लिंग, कम टू पापा, थैंक यू पापा, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय रॉकी, हमारे हर अड्डे का पता लगाने के लिए अजय ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब देख लीजिएगा, एक दिन उसके हाथ हम सबके गले पर होंगे। इससे पहले कि उसके हाथ हमारे गले तक पहुंचे, उसके पैर कब्रों में होंगे। कब्र खोदेगा कौन? उसकी कब्र तो मैंने उसी दिन खोदनी शुरू कर दी थी जिस दिन उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। वाह सलीम वाह, तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों का जवाब नहीं। जिंदगी में मैंने दो ही चीजें कमाई हैं, दोस्ती या दुश्मनी। सलीम जहां दोस्ती में हंसते हुए जान दे सकता है, वहां बेदर्दी से दुश्मन की जान ले भी सकता है। जानता हूं हम दोनों के जिस्म पर ये निशान किसने बनाए हैं। भाई जान, मुझे माफ कर दीजिए। आ, 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 आ,
अजय 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 मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हरामजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल मत बनो रॉकी, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझते। पहले अजय अकेला था, अब सलीम है उसके साथ। इसलिए चंद दिनों के लिए हमें अपना कारोबार बंद करके गुमनामी के अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, ताकि वो लोग समझे कि हम सब डर के भाग गए। उसके बाद दिवाली के दिन जब वो लोग जश्न मना रहे होंगे तो जश्न के जोश में हम उन्हें कफन पहना देंगे। सब जगह ढूंढा, सब ठिकाने छान मारे, हरामजादों का कहीं पता नहीं चला, लेकिन कब तक छुपे रहेंगे? नूरा, तू यहाँ क्या कर रही है? अस्पताल आई थी डॉक्टर से मिलने। क्यों, क्या हुआ? जरा सा पेट में दर्द हो रहा है। दिखा। कमाल दोस्त है तू, उसके पेट में दर्द है, तू हंसे जा रहा है। इधर आ। ए नूरा, इधर आना। आजा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ। नूरा, इतना सीधा लड़का तुमने कहाँ से ढूंढा? हाँ हाँ, बहुत सीधा है, बिल्कुल रस्सी की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि रस्सी के बल दिखाई देते हैं, इसके छुपे हुए हैं। बल ही तो है ना, छल तो नहीं। सलीम, अरे पेट में दर्द हो रहा है। पापा, सलीम चाचा के पेट में दर्द हो रहा है, जो पुड़िया आप मम्मी को देते हो इन्हें भी दे दो। नहीं बेटे, वो पुड़िया मम्मी के लिए, अगर अंकल को दे दो तो अंकल का दर्द बढ़ जाएगा। है ये अंकल के लिए नहीं है, समझ गई? इधर ये टोटका शादी के बाद क्या उसे पहले नहीं समझ गए, गधा? अरे यार, शादी के बाद तो उसके पेट में दर्द होगा, क्या शादी से पहले मेरे पेट में दर्द नहीं हो सकता? अरे तेरे जाने के बाद मेरे कहाँ कहाँ दर्द होगा, तुझे क्या मालूम? अरे पेट में दर्द हो रहा ना? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो करेले का जूस पी लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, पीलो 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 पीलो, पियो पियो। अरे अभी ठीक पी लो, अगर उसे मालूम है टोटका मैंने दिया तो मेरा जीना हराम कर देगी। पी जा पी जा पी जा। डाली एक गिलास और लाना, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। एक गिलास और लाना, एक गिलास लाना। ठीक हो जाएगा। अरे तेरी आदी, तेरी आवाज, तेरी तो। अरे मैं तो मर गया। कल तुम्हें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? नाटक क्या, पेट में दर्द हो रहा था तो कह दिया। मुझे सब मालूम है, क्या दर्द है, किस चीज का दर्द है तुम्हें मालूम है? वो कैसे? अगर तुम्हें अजय भैया बता सकते हैं तो मुझे आशा भाभी नहीं बता सकती क्या? समझ गया। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है। तो फायदा क्या? पेट में दर्द होना चाहिए ना। पापा, ये रही मेरी लिस्ट। पटाखे, फुलझड़ियां, उड़न तश्तरी, बड़े अनार, लगता है पूरा बाजार खरीदना पड़ेगा। राजकुमारी जी, आपकी लिस्ट? मैंने लिस्ट नहीं बनाई पापा। बेटा ये गई बिल्कुल वहाँ पे, इसको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ बॉबी के लिए लाओगे उसे डबल मेरे लिए लाना। गई माँ पे। आशा जी, इसे तो याद नहीं रहेगा, तो मेरे चश्मे के लिए? जी हाँ माँ जी, मैं आपके चश्मे के लिए कवर जरूर लाऊंगी। बेटा शाम को जल्दी आ जाना, पंडित जी आ रहे हैं पूजा के लिए, और फिर दिए भी तो जलाने हैं। जी पिताजी, जल्दी लौट आएंगे। चलो सुनिए, यहाँ से जो भी लेना था सब ले लिया ना? हाँ सब ले लिया, यहाँ तक अगर तुम्हारे पेट में दर्द उठा उसके लिए पुड़िया भी ले लिया मैंने। बेटे अब शहर जा ही रहे हो तो इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये बार बार पेट में क्यों दर्द होता है? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। जी पिताजी, शहर में तो डॉक्टर को दिखा दूंगा, मुझे डर है कहीं रास्ते में दर्द होगा। माँ कितनी अच्छी बहू मिले, सिवाय मुझे किसी को अपने दर्द के बारे में नहीं बताती। जी चलेंगे आप? हाँ चलिए। अच्छा, चलते हैं माँ जी। अच्छा माँ जी।
फिर जुदाई वाला आज तो तुम एकदम गीता की तरह बिहेव कर रही हो। ये तो वक्त ही दर्द है। देखो तुम ज्यादती कर रही हो मुझसे, जल्दी उठ जाओ। मैं कहता हूँ लोग आ जाएंगे डार्लिंग, क्या सोचेंगे? देखो जल्दी शहर पहुंचना है, बच्चों के लिए सामान लाना है, माँ के चश्मे के लिए केस खरीदना है तुम्हें, कितने दिन निकाल देंगे, जल्दी आना, घर में दिए जलाने हैं। आशा प्लीज देख, आशा तू बोलती क्यों नहीं? मैं कहता हूँ उठ जा डार्लिंग, प्लीज उठ जा। और मैं से ये तो वक्त है, ये कोई आशा माय डार्लिंग। आशा, 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 नहीं, नहीं आशा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती आशा, नहीं आशा, ये क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? मम्मी को क्या हो गया पापा? बोले ना मम्मी को क्या हो गया पापा? पापा मम्मी क्यों नहीं बोलती पापा? पापा बोले ना मम्मी को क्या हो गया पापा? बोलो मम्मी, पापा, पापा बोलो मम्मी क्यों नहीं बोलती हमसे? पापा बोलो ना मम्मी को क्या हो गया? मम्मी, मम्मी बात करो हमसे, मम्मी बात करो, Thank you.
बताओ, बता तेरा बॉस कहाँ है? जल्दी बोल, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोल हरामजादे, बोल। बता दूं, चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरमैन। Ah!
अच्छा, इन हरामजादों से आज मैंने तेरे उनका बदला ले लिया है। थोड़ी सी खुशी